सो लेट्स टेक अ व्यू एन द मार्केट गाइज फर्स्ट हमें कोई भी स्ट्रैटेजी अप्लाई करने के पहले ये जानना चाहिए कि कौन से मार्केट कंडीशन में हम उस स्ट्रैटेजी को यूज कर सकते हैं एंड मार्केट कहाँ पर जाना चाहिए या हमारा व्यू क्या होना चाहिए वो सारी चीजों के बारे में हमें पता होना चाहिए राइट सो लेट्स टेक अ व्यू एन द मार्केट गाइज ये निफ्टी का डेली चार्ट है एंड आपको क्लियरली ये दिख रहा है गाइस कि ये जो बजट का कैंडल था जहां पर मार्केट ने ऑलमोस्ट 4.7 पॉइंट सेवन मूवमेंट दिया था ऑन दी अपसाइड उसके बाद एक अच्छा सा गैप क्रिएट हुआ था एंड नेक्स्ट डे मार्केट ओपन गैप अप तो आपको ये पता होगा कि जनरली मार्केट टेक्स सपोर्ट और रेजिस्टेंस इन अ गैप एरिया राइट एंड मोस्ट गैप्स गेट फिल्ड तो वहीं पर मार्केट ने और ऊपर गया एंड मार्केट वापस ये गैप को सपोर्ट लेने को नीचे आ गया सो so आपको क्या दिख रहा है गाइस इस वन टू थ्री फोर फाइव मल्टीपल टाइम्स फाइव टू सिक्स टाइम्स मार्केट ने इसी एरिया में सपोर्ट लिया हुआ है एंड मार्केट ऑलमोस्ट एक महीने से कंसोलिडेट कर रहे हैं यानी अगर आप ये एरिया देखोगे वही एरिया पे मार्केट है ऑलमोस्ट एक महीने बाद ये ट्वेंटी फिफ्थ मार्च था एंड टुडे इज ट्वेंटी फोर्थ अप्रैल रिकॉर्डिंग द वीडियो सो मार्केट इज स्टिल हियर ओनली सो लेट्स से कि हमारा आगे जाके व्यू भी कंसोलिडेशन ही है और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये जो ट्रेंड चल रहा है मार्केट का साइडवेज का हम यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं राइट सो हाउ कैन वी कैपिटलाइज ऑन दिस व्यू इसके बारे में जानेंगे एंड ऑल्सो का एक रिफाइंड व्यू हमें लेना है कि मार्केट अगर ट्रेंड होता है तो कौन से डायरेक्शन में ट्रेंड होता है या एटलीस्ट हमारा एक्सपेक्टेशन क्या है कि मार्केट कहां पर जा सकता है सो so उसके लिए मैं सिर्फ एक इंडिकेटर यूज करता हूँ वेरी सिंपल विच इज फिफ्टी एम ए हाई एंड लो ये जो बैंड हमें दिख रही है आपको दिखता है कि ये बहुत अच्छा सपोर्ट और रेजिस्टेंस जैसे एक्ट करती है सो so, मेरा मानना सिंपली गाइस क्या है कि जब भी मार्केट इज बिलो फिफ्टी एम ए दोनों बैंड्स के नीचे जब है सो so मेरा एक्सपेक्टेशन ये है कि मार्केट अगर ट्रेंड होगा तो डाउन साइड पे ट्रेंड होगा सिंपली बिकॉज ये बिकॉजी एमए के बैंड के नीचे है आई कीप थिंग्स वेरी सिंपल राइट एंड जब तक ये अप साइड पे ब्रेक नहीं होता है यानी फिफ्टी पीरियड का ये जो हाई है ये ब्रेक नहीं होता है ऑन दी अपसाइड तब तक मेरा व्यू यही रहेगा कि मार्केट इज इन अ कंसोलिडेशन और अगर ट्रेंड होगा तो डाउन साइड पे होगा तो दो हमें कंडीशन मिल गई ये दोनों कंडीशन आपको याद रखनी है बिफोर अपलाइंग बिग लिजर स्ट्रेटेजी आई रिपीट अगेन फर्स्टली आपका व्यू ये होना चाहिए कि मार्केट माइट गो अगर ट्रेंड होता भी है तो आपको एक डायरेक्शन पकड़ना है जहां पर आपको लग रहा है कि मार्केट विल ट्रेंड इफ एनी यानी ट्रेंड होगा तो कहां पर होगा आपको ये एक व्यू रखना पड़ेगा नाउ वी कैन गो ऑन एंड सी है बिग लिजर स्ट्रेटेजी एक्चुअली होती क्या है हमारा ये व्यू हमें मिल गया कि कंसोलिडेशन व्यू है और अगर ट्रेंड होगा तो डाउन साइड पर ट्रेंड होगा नाव लेट्स गो टू ऑपस्ट्रा एंड लेट्स सेटअप द बिग लिजर्ट स्ट्रेटेजी हम ऑप्शन को चूज कर लेंगे एंड लेट्स ए की हम मे मंथली एक्सपायरी की बात कर रहे हैं यानी ट्वेंटी सेवेंथ मे की बात कर रहे हैं एंड आपको यहाँ पर क्या दिख रहा है कि फ्यूचर्स प्राइस इज अप्रॉक्सिमेटली फोर्टीन थाउजेंड थ्री एटी फाइव आप फ्यूचर्स या स्पॉट यूज कर सकते हो आई लाइक टू यूज फ्यूचर्स राइट सो फोर्टीन थाउजेंड थ्री एटी फाइव है और अगर आप राउंड अप करोगे तो आप बोल सकते हो कि एट द मनी स्ट्राइक्स आर फोर्टीन थाउजेंड फोर हंड्रेड राइट सो आप क्या कर सकते हो फोर्टीन थाउजेंड फोर हंड्रेड पे आपको एक शॉर्ट स्ट्रेडल क्रिएट करना है यानी एट द मनी कॉल भी सेल करना है एट द मनी पुट भी सेल करना है तो ये सिंपल हो गया सो so, आपको वो चीज कर लेनी है पहले एंड हियर गाइज आपको एक चीज दिख रहा होगा कि यू गेट ग्रेट प्रीमियम क्योंकि आपने एक तो मंथली एक्सपायरी का शॉर्ट किया है एंड एट द मनी शॉर्ट किया है एट द मनी में सबसे ज्यादा एक्सटेंसिक वैल्यू होता है सबसे ज्यादा टाइम वैल्यू होता है राइट right? तो आपको बहुत अच्छे से प्रीमियम देखने को मिलेगा और आपको बहुत रेंज भी मिलता है यानी आपको यहां पर दिख रहा है कि थर्टीन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड आपका ब्रेक इवन है ऑन द डाउन साइड अप साइड फिफ्टीन थाउजेंड टू हंड्रेड है सो दिस इज ऑलमोस्ट सिक्सटीन हंड्रेड पॉइंट रेंज राइट सो दिस इज वेरी गुड एंड नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड फॉर्वर्ड विद्रैटेजी सो गाइज इसमें डाउन साइड क्या है फर्स्टली शॉर्ट स्टाइल का डाउन साइड यह है कि अनलिमिटेड लॉस है सिंपली अगर बहुत नीचे जाता है तो भी आपको अनलिमिटेड लॉस हो सकता है सेम वेज अगर बहुत ऊपर जाता है तो भी आपको अनलिमिटेड लॉस हो सकता है सो बिग लिजर्ट स्ट्रेटेजी सिंपली इसको नल्डिफाई करने की कोशिश करता है और जैसे हमने डिसाइड किया कि थ्रेट इज ऑन द डाउन साइड राइट तो अपसाइड पे हमने ये देखा कि थ्रेट हमें नहीं लग रहा एंड हमारा व्यू ये है कि डाउन साइड पे थ्रेट आएगा अगर कुछ भी थ्रेट आता है तो सो so सिंपली हम इसको काउंटर करने के लिए क्या कर सकते हैं गाइस एक पुट खरीद सकते हैं राइट तो ओटीएम अगर आप पुट खरीदते हो तो आपका ये चीज नलेफाई हो जाएगी यानी एटलीस्ट डाउन साइड पे जो आपको लग रहा था कि थ्रेट होगा मार्केट का वो आपका नल्ले हो जाएगा सो लेट्स डू दैट एंड लेट्स सी द मार्केट एंड पे ऑफ कैसे दिख रहा है ये सारी चीजों के बारे में देखते हैं सो लेट्स से फोर्टीन थाउजेंड हम बाय करते हैं पुट ऑप्शन तो आपको पता चलेगा कि मार्केट में पे ऑफ आपको कैसे दिख रहा है एंड एक्चुअली हाउ विल इट फेयर सो यू गो आपने एक चीज क्या किया है आपने फर्स्टली अपना मैक्स प्रॉफिट को थोड़ा सा कम कर दिया है राइट right? तो आपको यह दिख रहा होगा कि जो आपको ओरिजिनली अराउंड अराउंडी टू फिफ्टी फाइव थाउजेंड का क्रेडिट हमने लिया था वो अभी कम हो जाएगा अराउंड फोर्टी थाउजेंड पर आ जाएगा बट आपको एडेड बेनिफिट क्या मिल रहा है आपको यह दिख रहा है कि आपको डाउन साइड में लॉस नहीं होगा यानी हमने ये देखा था कि हमें लग रहा है कि थ्रेट अगर कुछ भी आएगा तो डाउन साइड पे आएगा अप साइड पर नहीं आएगा राइट right? सो so, हमने इसलिए इस व्यू को कैपिटलाइज करने के लिए एक पुट भी खरीद लिया ताकि से कि बहुत अगर खराब न्यूज आती भी है एंड स्पेशली इन दिस सिचुएशन जहां पर बहुत सारा कोरोना केसेस रोज आ रहे हैं टू थ्री लैक्स के केसेज एवरी डे हमें देखने को मिल रहे हैं इंडिया में राइट एंड स्पेशली स्टेट्स लाइक महाराष्ट्र आर वेरी अफेक्टेड डेली में मुंबई में बहुत सारे केसेस आ रहे हैं सो एनी डे लट से की फोर फाइव परसेंट का गैप डाउन हो जाता है तो आपको बड़ा लॉस बेर नहीं करना है इसलिए आप डाउन साइड को अपने प्रोटेक्ट करने के सोचते हो और आपने ये पुट खरीद लिया एंड लेट्स का डाउन मूव भी आ जाता है एंड डाउन मूव कंटिन्यू होते जाता है तो ऑन एक्सपायरी गाइस सेवन मई को आपको ये दिखेगा कि आपको एटलीस्ट का प्रॉफिट तो होना ही है अगर डाउन साइड पूरा चले भी जाए तो भी ट्वेल्व थाउजेंड पे भी अगर निफ्टी आ जाएगा तो भी आपको इतना प्रॉफिट दिखेगा ही वाई बिकॉज आपने पुट स्प्रेड ले लिया एक जो आपका कवर करेगा लॉसेज सेम बेज आपका जो कॉल जो है वो पूरा डीके हो जाएगा एंड जीरो हो जाएगा सो दैट्स वे यू गेट प्रॉफिट योर बट एक और चीज आपको याद रखनी है गाइस की आपका जो टोटल प्रीमियम आपने कलेक्ट किया, so किया है यहां पर so, विच इज अराउंड फोर हंड्रेड ईयर एंड फोर हंड्रेड ईयर सो अप्रॉक्सिमेटली सेवन एट्टी टू एट हंड्रेड का प्रीमियम आपने कलेक्ट किया है सो इससे ज्यादा दूर आपको नहीं जाना है यानी इससे ज्यादा दूर का आपको पुट ऑप्शन नहीं खरीदना है सो फोर्टीन थाउजेंड फोर हंड्रेड एट द मनी है आपको एट हंड्रेड पॉइंट्स से ज्यादा दूर नहीं जाना है सो लेट्स सी वट आईम टॉकिंग अबाउट और एट हंड्रेड पॉइंट अगर आप देखोगे तो इट इज अराउंड थर्टीन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड सो so, इसको हम चेंज कर लेते हैं थर्टीन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड पे जाते हैं थर्टीन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड का अगर आप फुट बाय करते हो तो आपको देखो क्या दिख रहा है कि आपको डाउन साइड पर भी लॉस हो जाएगा अप्रोक्सिमेटली ट्वेल्व थाउजेंड का तो डेफिनेटली आपका लॉस डिफाइन हो गया बट फिर भी आपको डाउन साइड पे लॉस दिख रहा है सो so, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको सिर्फ लॉस कम करना है देन यू कैन डेफिनेटली गो हेड एंड यूज दिस इसमें आपको फायदा क्या होगा गाइस तो डाउन साइड पे आपका लॉस डिफाइन हो जाएगा बट आपका प्रॉफिट है, है उसमें so, थर्टी नाइन आपको फोर्टी सेवन थाउजेंड का था, क्रेडिट मिल रहा है राइट right? सो so, आपका मैक्स प्रॉफिट बढ़ जाएगा अगर आप जितना दूर जाओगे जितना ओटीएम का पुट बाय करोगे डाउन साइड का उतना ही आपको दिखेगा कि आपने क्रेडिट भी ज्यादा लिया हुआ है सो इट इज कंप्लीटली टू यू आपका व्यू कैसे बन रहा है अगर आपको यह चाहिए कि अगर डाउन साइड में भी जाए तो भी प्रॉफिट होवे तो आप थोड़ा सा अंदर का पुट ले सकते हो यानी क्लोजर टू द स्पॉट प्राइस ले सकते हो लेट से थर्टीन थाउजेंड नाइन हंड्रेड का अगर आप बाय करते हो लेट सी द पे ऑफ दू को सो यहां पर आपने क्या किया गाइस कि जो आपको थाउजेंड के पुट में थर्टी नाइन फोर्टी थाउजेंड का क्रेडिट दिख रहा था यहां पर आपको फोर्टी टू थाउजेंड का मिल रहा है ऑल्सो डाउन साइड पर आपको लॉस ज्यादा नहीं होगा इनफैक्ट आपको प्रॉफिट होगा फोर थाउजेंड सेवन हंड्रेड का प्रॉफिट होगा राइट ऑन एक्सपायरी सेम वेज रिमेंबर ऑलवेज कि अपसाइड पे आपका लॉस इज अनलिमिटेड यानी हमारा थ्रेट क्या था हमारा थ्रेट ये था कि बहुत सारा बैड न्यूज आ सकता है या कुछ भी हो सकता है एक्स्ट्रा अगर बैड न्यूज आ गया मार्केट गैप डाउन कर गया तो आपको बहुत थ्रेट नहीं होना चाहिए ऑन दर डाउन साइड लिए हम प्रोटेक्शन बाय कर रहे हैं ऑर डाउन साइड राइट सो इसलिए ये बिग रिजर्ट स्ट्रैटेजी काम आती है नाउ लेट्स ए की अगर आप एक कॉन्ट्रेरियन हो और आपको लगता है कि यार इतना सारा बैड न्यूज आ गया एंड सब लोग बैरिश हो गए हैं आपका एक्सपेक्टेशन ये है कि यार मार्केट विल सरप्राइज ऑन दी अपसाइड एनी रीजन लेट्स आप फिफ्टी एम ए यूज नहीं करते हो लेट्स आप कुछ भी चीज यूज करके अपना सेंटिमेंट के हिसाब से भी अगर आप खेलते हो आपको यह लग रहा है कि यार अपसाइड साइड पे थ्रेट आएगा तो सेम वेज आप क्या कर सकते हो आप कॉल बाय कर सकते हो यानी पुट को आप अगर सिंपली डिलीट कर देते हो आप ऊपर के साइड का कॉल बाय कर सकते हो यानी आपको लग रहा है कहां पर थ्रेट अप साइड पे है डाउन साइड पे नहीं है सेम वेज लेट्स से कि आप 14,800 का कॉल बाय कर लेते हो सो लेट्स डू दैट और हम देखते हैं कि हमें कैसे देख रहा है पे ऑफ अर गाइज आपको क्या दिख रहा है डिफरेंट कि डाउन साइड पे आपका अनलिमिटेड लॉस है ऑब्वियसली राइट right? क्योंकि आपका पोर्ट ऑप्शन जो है वो आपने नेकेड शॉर्ट रखा हुआ है एंड लेट्स ए कि बड़ा गैप डाउन आ जाता है तो यू विल बी डेफिनेटली एक्सपोज टू द डाउन साइड और आपको अच्छा खासा लॉस हो सकता है बट लेट्स ए की अगर आपका व्यू है वो राइट right चले गया और अप साइड पे मार्केट ब्लो आउट हो जाता है तो आपको क्या दिख रहा है कि अपसाइड में भी आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिलेगा यानी मार्केट जितना भी ऊपर चले जाए फिफ्टी चले जाए फिफ्टी चले जाए या फिफ्टीन पे भी आ जाए तो आपको एटलीस्ट थर्टीन का प्रॉफिट होगा एंड लेट्स लगे कि ये आपके रेंज में ये रह गया ये जो पिरामिड टाइप रेंज बना हुआ है राइट right? सो so उसमें आपको मैक्स प्रॉफिट यहां पर दिख रहा है इस 43,000 सेम वेज सेम जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि जो टोटल प्रीमियम है उससे ज्यादा दूर आपको नहीं जाना है सो so बेसिकली आपको 15,200 के ऊपर का कॉल नहीं बाय करना है सो so, अगर आप 15,200 में चेंज कर लोगे तो आपको सिंपली वही दिखेगा कि आपको अपसाइड पे लॉस दिख रहा है भले डिफाइंड लॉस होगा बट आपको लॉस जरूर दिखेगा बट आपने ये चीज करके क्या किया है अगेन आपने अपना क्रेडिट बढ़ा लिया है सो ऑलवेज गेज रिस्क का गेम है जितना ज्यादा आप रिस्क लोगे उतना ज्यादा आपको रिवॉर्ड मिलेगा जितना कम रिस्क लोगे उतना कम रिवॉर्ड मिलेगा तो आपको देखना है कि आप कैसे ट्रेडर हो अगर आपको चाहिए कि आप थोड़ा सा ज्यादा रिस्क लेके ज्यादा रिवॉर्ड कमाओ तो भी आप वो चीज कर सकते हो बट अगर आप थोड़े से कंजर्वेटिव ट्रेडर हो जो मैं हूं और मुझे अच्छा लगता है कि लॉस जितना कम हो सके उतना अच्छा होवे दैट इज हु आई एम बट यू कैन बी डिफरेंट राइट सो आपको वैसे डिसाइड करना है और अगर आपको ज्यादा प्रॉफिट चाहिए तो आप ऐसी चीज कर सकते हो यानी थोड़ा सा ओटीएम का कॉल बाय कर सकते हो यानी आपको ऊपर के साइड पे सिर्फ सेवन थाउजेंड एट हंड्रेड का लॉस होगा बट रिमेंबर ऑलवेज डाउन साइड पे आप एक्सपोज्ड हो सो so ये था बेसिकली बिग लिजर्ट स्ट्रैटेजी अगर आपको अपना डिमेट अकाउंट खोलना है कई जीरो के साथ तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है आप अपना अकाउंट वहां पर जाके खोल सकते हो सेम मीज अगर आपको वीडियो पसंद आया मेक श्योर टू स्मैश द थम्स अप बटन बिलो बिकॉज ये आपके लिए सिर्फ टू सेकंड का काम है बट ये मेरे चैनल को बहुत हेल्प करता है ग्रो करने के लिए एंड ऐसे वीडियोज और भी मैं लाने की कोशिश करते रहूंगा आई होप यू लाइक दिस वन मैं आपको मिलता हूं अगले वीडियो में बाय बाय